हे गाइस वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो में हम Redmi Note 11T 5G का फुल रिव्यू करने वाले हैं। और एक वीक से मेरे दोनों भी सिम कार्ड इस फोन के अंदर है, तो इस फोन के क्या पॉजिटिव पॉइंट है, इस फोन के क्या नेगेटिव पॉइंट है, ये सब कुछ मुझे पता चल चुका है। मैंने ऑलरेडी नोट डाउन भी किया है, मतलब जब भी कुछ प्रॉब्लम फेस होता है तो मैं फटाक से नोट डाउन सबसे पहले कर लेता हूं, क्योंकि रिव्यू के टाइम में आपको बता सकूं। और गाइस अपने स्टाइल में सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट बताऊंगा, उसके बाद इस फोन के नेगेटिव पॉइंट बताऊंगा। तो गाइस वीडियो को कम्प्लीटली देख लेना, इससे आपको पता चल जाएगा कि इस फोन के ऊपर आपको 16-17 हज़ार लगाने हैं या इस फोन को आपको स्किप कर देना है। और गाइस अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये जो सारे फोन होते हैं मैं खुद खरीदता हूं अपने पैसों से, क्योंकि आपका नुकसान ना हो, मैं यूज करने के बाद आपको बता पाऊं कि इस फोन को लेना है या नहीं लेना, इसलिए मैं अपने खुद के पैसे लगाता हूं। तो यार उसके बदले में बस आप चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक जरूर करना, 500 लाइक का टारगेट रखते हैं। तो सबसे पहले गाइस बात कर लेते हैं पॉजिटिव पॉइंट की। तो गाइस सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है इस फोन का UI का ऑप्टिमाइजेशन। मैंने आज तक Redmi Poco के जितने भी 16-17 हज़ार में फोन देखे हैं उनमें UI का सबसे बड़ा इशू है। तो सबसे पहले बग देखने को मिलते हैं, UI में लैग स्टटर वगैरह आते हैं, बट अभी तक मेरे 5-6 दिन के यूजर्स के हिसाब से इस फोन में मुझे एक बार भी सिंगल लैग UI में देखने को नहीं मिला। UI बहुत अच्छे से काम कर रहा है, पता नहीं यहाँ पे Redmi ने क्या ऑप्टिमाइजेशन इसमें डाली है, बट तगड़ा UI एक्सपीरियंस मुझे यहाँ पे देखने को मिला। और MIUI का 12.5 आपको इनहांस वर्जन देखने को मिलता है और बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन इसमें मुझे तगड़ी देखने को मिली। जैसे कि मेरे पास Poco X3 Pro भी है और उसमें भी इनहांस वर्जन आ चुका है, उसके बाद भी उसका UI स्टटर लैग करता है, उसके मुकाबले इसका UI मुझे बहुत बहुत ज्यादा बेटर लगा। इवन उसमें Qualcomm Snapdragon 860 हो के भी उससे भी बेटर इसमें मेरे डायमेंसिटी 810 के साथ MIUI बहुत अच्छे से यहाँ पे काम कर रहा है। नो लैग, नो स्टटर, नो बग, ये सब कुछ मुझे देखने को मिले इस फोन के अंदर। बट UI में आपको गूगल डायलर देखने को मिलता है, जब भी आप किसी का कॉल रिकॉर्ड करना चाहते हो तभी ये बता देगा कि आपका कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है। बाकी 90 हर्ट्ज की वजह से UI में स्टटर आए या लैग आए ये भी मुझे बिल्कुल यहाँ पे देखने को नहीं मिला। सो यहाँ पे यार Redmi को सच में सैल्यूट करना चाहिए कि इस फोन में जो MIUI का ऑप्टिमाइजेशन दिया है यार, ऐसा ही हर एक फोन के साथ आए 15-16-17 हज़ार में तो यार मजा ही आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट है गाइस इस फोन का बैटरी बैकअप। 5000 mAh की बैटरी देखने मिलती है और UI के ऑप्टिमाइजेशन की वजह से बिल्कुल मुझे बैटरी ड्रेन का इशू इस फोन में फेस नहीं हुआ। बाकी Redmi Note 10 Pro Pro Max या Poco X3 Pro में भी बैटरी ड्रेन होता है, Mi 11X में भी बैटरी ड्रेन होता है, बट इस फोन में बिल्कुल बैटरी ड्रेन नहीं होता। ड्यूअल सिम के साथ मैं यूज कर रहा हूं और यहाँ पे गाइस आप फुल इस फोन को चार्ज करते हो तो पूरा आपका दिन निकाल देता है और ऑन स्क्रीन लगभग मुझे 7 घंटे से लेके 8 घंटा विदाउट गेमिंग 90 हर्ट्ज फुल डिस्प्ले का ब्राइटनेस करके भी मुझे इतना देखने को मिला। और जब मैंने पबजी खेला था 46 मिनट तब मेरा बैटरी 100% से 85 पे आया था, मतलब 15% का बैटरी ड्रॉप हुआ था। तो यार बैटरी ऑप्टिमाइजेशन भी इस फोन में आपको तगड़ी देखने मिलती है और 33 वाट का फास्ट चार्जर इस फोन के साथ आपको देखने मिलता है और चार्ज करने के लिए लगभग यहाँ पे इसने टाइम लगाया था 1 आवर 43 मिनट्स, बट मेरा फोन 8% टू मैंने 100% चार्ज किया था। तो पकड़ के चलो कि 1 घंटा 50 मिनट के आसपास ये फोन चार्ज कर लेता है 33 वाट का फास्ट चार्जर। उसके साथ गाइस नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट है इस फोन में आपको ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर देखने मिलते हैं। हाँ गाइस ज्यादा लाउड नहीं है बट जो म्यूजिक की क्वालिटी है वो मुझे बहुत अच्छी लगी, सब कुछ बैलेंस देखने को मिलता है, ट्रबल बेस वगैरह सब कुछ। तो यार इस प्राइस रेंज में ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर देना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां इस प्राइस रेंज में ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर प्रोवाइड नहीं करती। उसके साथ नीचे के साइड में भी आपको 3.5mm का ईयरफोन जैक सपोर्ट देखने में मिलता है और इसका भी क्वालिटी मुझे बहुत बेटर लगा, क्योंकि Xiaomi के फोन में यूजुअली ऐसी बेटर आपको 3.5mm का आउटपुट देखने में मिलता है। तो जो बेस का आउटपुट है ना कि ढूम ढूम ऐसा देखने में नहीं मिलता, पूरा क्लियर बेस देखने में मिलता है, लाइक ठक ठक ठक। तो यार ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके साथ आपको साइड माउंटेड फिजिकल फिंगरप्रिंट देखने मिलता है और इसका भी स्पीड गाइज बहुत ज्यादा तेज है, यहाँ पे मुझे कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिला। और नेक्स्ट इसमें जो हैप्टिक फीडबैक के लिए मोटर दिया है सच में Redmi को मानना पड़ेगा, मतलब इस प्राइस रेंज में आप 30-40 हज़ार वाला हैप्टिक का एक्सपीरियंस दे रहे हो, ये बहुत अच्छी चीज है। हाँ गाइज लिटरली इसमें जो हैप्टिक फीडबैक का मोटर देखने मिलता है पूरा टक 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 फील करवाता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बट इसमें बहुत ही बेटर आपको हैप्टिक फीडबैक दिए है Redmi ने, उसके लिए भी Redmi को सैल्यूट करना चाहिए। उसके साथ गाइस नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट है इस फोन का परफॉर्मेंस। मेरे डायमेंसिटी 810 5G Pro सीरीज में आपको देखने मिलता है और यहाँ पे गाइस मैं परफॉर्मेंस इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि UI का ऑप्टिमाइजेशन भी तगड़ा है, इसके वजह से इसमें फील नहीं होता कि आपको एक मतलब मिड रेंजर टाइप का प्रोसेसर दिया है। मेरे डायमेंसिटी 810 का आप अनटू बेंचमार्क स्कोर देख सकते हो, 3 लाख 3.5 लाख के आसपास आता है, बट इस स्कोर
के ऊपर मत जाइए, डेली परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बेस्ट है। और यहाँ पे गाइस मैंने बीजेएमआई मतलब पबजी भी इसमें टेस्ट किया था, ये स्मूथ प्लस अल्ट्रा ही सपोर्ट करता है, मतलब बीजेएमआई में ओनली आपको 40fps का ही सपोर्ट देखने को मिलेगा, बट 40fps यहाँ पे कॉन्स्टेंट ये फोन मेंटेन करके रखता है। इवन गाइस मैंने ऑन ऑफिशियली यहाँ पे 60fps इनेबल किया था और 90fps भी इस फोन में इनेबल किया था, तो मुझे कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली। 90fps इस फोन में कैसे चलता है इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो मदन गायकवाड़ गेमिंग चैनल के ऊपर डाला है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस आपको बैलेंस देखने को मिलता है और परफॉर्मेंस में डेली लाइफ में आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे आने वाली नहीं है। नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट है गाइस इस फोन का नेटवर्क रिसेप्शन, तो नेटवर्क की वजह से कभी भी कॉल ड्रॉप हुआ ये वगैरह ऐसा देखने को नहीं मिला। और यहाँ पे जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर दिया है इस फोन में बहुत अच्छे से काम करता है, अभी तक तो मुझे प्रॉक्सिमिटी सेंसर का बिल्कुल इशू यहाँ पे देखने को नहीं मिला। और गाइस बात करें यहाँ पे 4G+ सपोर्ट की, तो गाइस यहाँ पे 4G+ जो फ्लैगशिप फोन में होता है उसी तरह नहीं है, बट मिड रेंजर फोन से तो बहुत ज्यादा बेटर है। तो यहाँ पे 4G+ 2CC नेटवर्क कैरियर एग्रीगेशन के साथ मतलब 2 बैंड के साथ ये फोन सपोर्ट करता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा 4G+ मुझे इनकंसिस्टेंट देखने को मिला, मतलब आता है जाता है, तो ये मुझे यहाँ पे देखने को मिला। बट जो मिड रेंजर फोन होते हैं Redmi के उनसे कहीं कहीं गुना बेटर 4G+ इस फोन में आपको देखने को मिल जाता है। उसके साथ गाइस इस फोन में आपको 7 5G के बैंड देखने को मिलते हैं और अभी तक इंडिया में 5G नहीं आया, तो इस रिगार्डिंग में ज्यादा बात नहीं कर सकता। सो गाइस ऐसे थे कुछ पॉजिटिव पॉइंट इस फोन के, और अभी बात करें इस फोन के नेगेटिव पॉइंट्स की, तो नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए क्योंकि बहुत ही तगड़े नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं। तो सबसे पहला का इस नेगेटिव पॉइंट है इस फोन का डिस्प्ले, 6.6 इंच का आपको HD IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे दिक्कत यह है कि इसका ब्राइटनेस इतना लोअर है कि आज तक मैंने जितने भी रेडमी के फोन देखे हैं उनमें से सबसे ज्यादा लोअर ब्राइटनेस वाला डिस्प्ले इस फोन का ही मैंने देखा होगा। तो गाइस यहाँ पे बात करें इंडोर ब्राइटनेस की, तो लगभग 270 nits ओनली, 300 nits भी इस फोन का ब्राइटनेस नहीं है। पोको X3 प्रो का भी ब्राइटनेस इससे ज्यादा है, इवन पोको M2 प्रो का भी ब्राइटनेस इस फोन से ज्यादा होगा, तो ब्राइटनेस नीड्स बहुत ही ज्यादा कम है। आउटडोर में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होता है जब आप सनलाइट में या डायरेक्ट डे लाइट में यूज करते हो फोन, तो इतना प्रॉपरली दिखता नहीं, आपको हाथ रखना पड़ेगा ऐसा ऊपर से, तो ये बहुत ही तगड़ा इशू है। और बात करें साइड व्यूविंग या साइड एंगल से, तो साइड एंगल से भी गाइज यहाँ पे उतना ब्राइट डिस्प्ले नहीं दिखता है, जैसे जैसे ऐसे आप एंगल ऐसे ऐसे टिल्ट करते हो तो डिस्प्ले का ब्राइटनेस भी कम हो जाता है। एक्चुअली दिखने में यहाँ पे पूरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जितना ब्राइट डिस्प्ले ऐसे सामने से दिखता है उतना ब्राइट डिस्प्ले साइड एंगल से नहीं दिखता है, तो ये भी मुझे एक तगड़ा इशू यहाँ पे देखने को मिला। बाकी 90Hz देखने को मिलता है डिस्प्ले सेक्शन के अंदर, उसका कोई भी इशू नहीं है, 90Hz यहाँ पे स्मूथली काम करता है। उसके साथ यहाँ पे वाइड वाइन L1 वगैरह सपोर्ट करता है, तो नेटफ्लिक्स पे वगैरह या अमेजोन प्राइम पे HD पे वीडियोज आप प्ले बैक कर सकते हो। तो उसके बाद गाइस नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट है गाइस इस फोन का कैमरा, कैमरा ओपन करने का मन ही नहीं करता मुझे, इतना गंदा गंदा ये पिक्चर मतलब क्लिक करता है, ओवरऑल पूरा ब्लैकिश टाइप के फोटोज क्लिक करता है। तो यहाँ पे गाइस नाम के लिए 50 मेगापिक्सल का पहला कैमरा दिया है, उसके बाद 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड दिया है और 16 मेगापिक्सल की सेल्फी दी है। सबसे पहले बात करें 50 मेगापिक्सल शॉट्स की, तो यहाँ पे बात करें डिटेल्स की, तो डिटेल में इतनी ज़्यादा शार्पनेस बिल्कुल नहीं है, बहुत ही अलग लेवल के कलर लेता है। और भाई साहब जब आप गाइस यहाँ पे डायनामिक रेंज चेक करते हो या वाइट बैलेंस चेक करते हो, वहाँ पे पूरा 50 मेगापिक्सल भी गड़बड़ कर देता है, पूरा आसमान को पूरा वाइट या ब्राइट कर देगा, नीले बिले बादल बिदल गए भाड़ में पूरा वहाँ पे वाइट कलर कर देगा, तो एक दिक्कत है। उसके साथ गाइस बात करें अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल की, बहुत ही बेकार, मतलब कुछ भी डिटेल्स आपको देखने को नहीं मिलती, नाम के लिए 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। उसके साथ गाइस बात करें पोर्ट्रेट मोड की, तो बैक कैमरा पोर्ट्रेट मोड से मुझे फोटोज ठीक ठाक लगे, बाकी जो मतलब एज डिटेक्शन वगैरह है वो भी प्रॉपरली है, बट थोड़ी सी सॉफ्ट इमेज आती है बैक कैमरा से। और गाइस बात करें फ्रंट कैमरा पोर्ट्रेट मोड की जो 16 मेगापिक्सल का है, तो बहुत ही बेकार, पूरा ब्लैकिश टोन स्किन के ऊपर लेके आता है, मतलब कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देता है, तो यार ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और ये Xiaomi के हर एक फोन में ऐसा ही देखने में मिलता है। तो ओवरऑल गाइज यहाँ पे कैमरा इस फोन का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग की, 1080p 60fps मिलता है, 4K 30fps या 4K 60fps नहीं मिलता क्योंकि प्रोसेसर कैपेबल नहीं है। 1080p 60fps में भी स्टेबिलाइजेशन देखने को नहीं मिलता और 1080p 30fps में आपको स्टेबिलाइजेशन देखने को मिलता है, बाकी वीडियो क्वालिटी आप यहाँ पे साइड में देख सकते हो, आपको पता चल ही जाएगा। सो गाइज ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 1080p 60fps में क्योंकि 4K का बिल्कुल ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, बाकी 1080p 60fps में आप वॉइस क्वालिटी वीडियो क्वालिटी स्टेबिलाइजेशन आप चेकआउट कर सकते हैं। बात करें फोकसिंग, लो क्लियरली इशू है यहाँ भी फोकसिंग का, कुछ भी फोकस ही नहीं कर पाता ये, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट को फोकस नहीं कर पाता। और कैमरे क्वालिटी ओवरऑल बात करें तो यार इतना भी ठीक ठाक नहीं है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो।
और गाइस ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 1080p 30fps में। बाकी वीडियो क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी, स्टेबलाइजेशन आप चेकआउट कर सकते हैं। बात करें फोकसिंग, तो यहाँ पे गाइस क्विकली फोकस होता है 1080p 60fps जैसा, इसमें प्रॉब्लम नहीं है फोकसिंग का। नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट है गाइस इस फोन का डिजाइन। डिजाइन इन द सेंस बैक पैनल पूरा प्लास्टिक का है। प्लास्टिक का हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट इसके ऊपर फटाफट क्रैचेस आ जाते हैं और इतना ये मैग्नेटिक है कि यहाँ पे देख सकते हो पूरा ऑयली टाइप का हो चुका है। और कहीं मतलब डस्ट गिरा तो मतलब अब जैसे दिखा देता हूँ तो यहाँ पे देखिए तो ये पूरा गंदा टाइप यहाँ पे हो जाएगा। और पूरा ये मैग्नेटिक होने की वजह से मतलब ऑयली होने की वजह से पूरा कुछ भी इसके बैक पैनल पे चिपक जाता है। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल यहाँ पे पसंद नहीं आई। मैट फिनिश टाइप प्लास्टिक दे देते तो बहुत अच्छा रहता या कुछ भी करके, बट यार इसका क्वालिटी मुझे बिल्कुल यहाँ पे ठीक ठाक नहीं लगा। तो गाइस ओवरऑल पॉजिटिव पॉइंट नेगेटिव पॉइंट मैंने आपको सब कुछ क्लियर करके बताया है। ये मेरे पास 6GB 128GB है जो मुझे 17,000 को मिला था। तो आपको डिसाइड करना है कि इस फ़ोन को लेना है या नहीं लेना है। देखो 5G देख के तो फ़ोन को बिल्कुल मत लेना अभी भी। 5G आने के लिए और 3-4 साल तो लगने वाले हैं मतलब प्रॉपरली 5G आने में। तो 5G देख के फ़ोन को आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। बाकी पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ मैंने आपको क्लियर करके बताया। एट द एंड आपका डिसीजन है कि आपको इस फ़ोन को लेना है या नहीं लेना है। मैं रिव्यूअर हूँ, मैं किसी भी कंपनी को डायरेक्ट डिफेम नहीं कर सकता हूँ कि मत लो ना लो, बट मैं आपको इतना क्लियर करके समझा सकता हूँ कि इस फ़ोन में क्या है क्या नहीं है, सब कुछ क्लियर करके बताया है। बाकी आपका डिसीजन है लेना है या नहीं लेना है। मुझे कमेंट करके बताना कि आपने क्या सोचा है, आप इस फ़ोन को लेने वाले हो या इस फ़ोन को आप स्किप करने वाले हो। और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको और कौन कौन से फ़ोन के ऐसे रिव्यू चाहिए। मैं जल्दी ही फ़ोन एडजस्ट करके मतलब बाय करके रिव्यू करने की कोशिश करूँगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।